दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 467 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। आज हम शुरू करेंगे 468 नंबर प्रश्न से। इम्पॉर्टेंट होंगे प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर कुछ पूछा जाता है, आप लोग उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, ये गलत है, तो आप उनका रिप्लाई कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगती तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि 468 नंबर प्रश्न से शुरू होगा, ठीक है। तो प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है बताना हमें, ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे क्या है, और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सही है बोला गया, सही नहीं है बोला गया, ठीक है। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार सेबी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, सेबी द्वारा किया जाता है कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, विदेशी मुद्रा की जो चुंबक अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सोने की आपूर्ति कम हो जाती है, तो ये भी गलत है। मतलब विदेशी मुद्रा अगर ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था में सोने की जो आपूर्ति होगी वो कम हो जाएगी क्या, ऐसा पूछा जा रहा, तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। दुनिया के कई देश जो छोटी अर्थव्यवस्था है उनके पास कोई विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई की बात की गई, मतलब पूरी तरह जोर दिया गया इस बात पर, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा पूरी तरह, ठीक। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और पूछा गया था सही नहीं है कौन सा, मतलब गलत कौन सा है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। विदेशी मुद्रा एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई संपत्ति होती है, क्या केंद्रीय बैंक के द्वारा, इतना ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय सरकार के लिए भंडार का प्रबंधन किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है भारत सरकार के लिए भंडार का प्रबंधन, ठीक। इकोनॉमी में गोल्ड और फॉरेन करेंसी की आमद के साथ आरबीआई को करेंसी छापनी होती है, इकोनॉमी में गोल्ड सोना आए और विदेशी मुद्रा आती है जब आने लगती तो आरबीआई को करेंसी छापनी होती है, इससे बाजार में क्या होता है कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, ठीक है। गोल्ड और फॉरेन करेंसी के आने से क्या होता है, आरबीआई मुद्रा छापती है, करेंसी छापती है, और इससे जो है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट था कि दुनिया के लगभग सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार की परवाह किए बिना, सभी देश लगभग, लगभग की बात हो रही, ध्यान रखना, लगभग सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार की परवाह किए बिना महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट क्या हुए, गलत हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यह्रास और अवमूल्यन दो है, मूल्यह्रास और अवमूल्यन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, अवमूल्यन से अभिप्राय है कि उस मूल्य के मूल्य में परिवर्तन है जिसका मूल्य देश की सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है, अब सही दिख रहा। अवमूल्यन से अभिप्राय क्या है, अवमूल्यन से अभिप्राय उस मूल्य के मूल्य परिवर्तन से है जिसका मूल्य देश की सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मूल्य ह्रास जो होता है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है, मूल्य ह्रास मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसका मूल्य खुले पैसे के बाजार में उत्पन्न बाजार बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मूल्य ह्रास क्या होता है कि मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित कर रहा है, और जो क्या होता है कि जिसका मूल्य खुले पैसे बाजार में उत्पन्न बाजार बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, यही होता है मूल्य ह्रास, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही है, ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ठीक है ना, इसका सही उत्तर सी, हाँ सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। अवमूल्यन क्या होता है भाई, विदेशी मुद्रा बाजार में जब किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले उसकी सरकार द्वारा घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कटौती की जाती है,
विदेशी मुद्रा के मुकाबले में जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कटौती की जाए तो इसी हम कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, इसका अर्थ है आधिकारिक मूल्य ह्रास क्या है, अवमूल्यन होता है। ठीक है, आधिकारिक जो मूल्य ह्रास किया जाता है उसी को हम अवमूल्यन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, मूल्य ह्रास क्या है, विदेशी मुद्रा बाजार में क्या होता है, एक ऐसी स्थिति होती है, मूल्य ह्रास की स्थिति विदेशी मुद्रा बाजार में एक ऐसी स्थिति है जब घरेलू मुद्रा एक विदेशी मुद्रा के सामने अपना मूल्य खो देती है। मतलब भारत का रुपया अगर डॉलर के सामने अपना मूल्य खो देता है, और कहाँ, भारत में ही, अगर यह बाजार से संचालित होता है। ठीक है, बाजार से संचालित होते समय क्या होगा कि घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के सामने अपना मूल्य खो दे तो वो होता है मूल्य ह्रास। ठीक, मतलब क्या है कि एक मुद्रा में मूल्य ह्रास तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था अस्थायी विनिमय दर प्रणाली का पालन करती है। मूल्य ह्रास तभी होगा जब कोई भी अर्थव्यवस्था अस्थायी विनिमय दर प्रणाली का पालन करती है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, जे वक्र, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इकोनॉमी में जे वक्र के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। एक सिद्धांत यह कहते हुए किसी देश का व्यापार घाटा उसकी मुद्रा के मूल्य ह्रास के बाद शुरू में खराब हो जाएगा क्योंकि विदेशी आयात पर उच्च मूल्य आयात की कम मात्रा से अधिक होगा। ठीक है, तो विदेशी आयात पर उच्च मूल्य आयात की कम मात्रा से अधिक होगा। ठीक है, उस समय किसी देश का व्यापार घाटा उसकी मुद्रा के मूल्य ह्रास के बाद शुरू में खराब हो जाता है। ठीक है ना, शुरू में खराब क्यों होता है, क्योंकि विदेशी जो आयात होता है उस पर जो मूल्य आयात की मात्रा होती है वो उससे अधिक हो जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। निजी इक्विटी फंडों में जे वक्र प्रभाव तब होता है, निजी इक्विटी फंड में जे वक्र प्रभाव तब होता है जब फंड पहले कई वर्षों के लिए नकारात्मक रिटर्न का अनुभव करते हैं। जे वक्र प्रभाव तभी होता है निजी इक्विटी फंडों में जब फंड पहले कई वर्षों के लिए नकारात्मक रिटर्न का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। इससे सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, सी सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। एक सिद्धांत कहते हुए किसी देश का व्यापार घाटा उसकी मुद्रा के मूल्य ह्रास के बाद शुरू में खराब हो जाए क्योंकि विदेशी आयात पर उच्च मूल्य आयात की कम मात्रा से अधिक होगा। निजी इक्विटी फंडों में जे वक्र प्रभाव तभी होता है जब फंड पहले कई वर्षों के लिए नकारात्मक रिटर्न का अनुभव करते हैं। ठीक, जे वक्र प्रभाव क्या होता है, एक उदाहरण देखते हैं। अर्थशास्त्र में देखा जाता है क्या कि जब किसी देश का व्यापार संतुलन शुरू में अपनी मुद्रा के अवमूल्यन या मूल्य ह्रास के बाद बिगड़ जाता है। अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें, उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी देश का व्यापार संतुलन शुरू में अपनी मुद्रा के अवमूल्यन या मूल्य ह्रास के चलते बिगड़ जाता है तो उच्च विनिमय दर पहले अधिक महंगे आयात और कम मूल्यवान निर्यात के अनुरूप होगी। जब मूल्य ह्रास अवमूल्यन के बाद व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है कि उच्च विनिमय दर पहले क्या होगी, अधिक महंगे आयात और कम मूल्यवान निर्यात के अनुरूप होगी, जिससे एक बड़ा प्रारंभिक घाटा या फिर एक छोटा अधिशेष होगा इस समय। ठीक, प्रतिस्पर्धी क्या करते हैं, अपेक्षाकृत कम कीमत वाले निर्यात के कारण हालांकि एक देश का निर्यात बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई निर्यात अगर हम की मात वो मूल्यवान निर्यात का मूल्य हम कम कर देंगे तो हमारा निर्यात तो बढ़ेगा। ठीक है, वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि निर्यात बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपेक्षाकृत कम कीमत वाले निर्यात के कारण क्या होगा, देश का निर्यात बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्थानीय उपभोक्ता भी अधिक महंगे आयात की कम खरीद करेंगे, वो कम खरीद करेंगे क्योंकि बाहरी चीज़ें महंगी हैं, घरेलू चीज़ें क्या हैं, सस्ती हैं। ठीक, तो स्थानीय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे ये लोग, क्यों, क्योंकि ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करें, ब्रेड अगर हमें 10 रुपये की मिल रही तो हम 20 वाली ब्रेड क्यों खरीदेंगे।
दस वाले में ही काम चलाएं, ठीक है, तो वही चीज़ बताई जा रही है इसमें। तो व्यापार संतुलन क्या होता, अंततः अवमूल्यन से पहले की तुलना में बेहतर स्तरों में सुधार करता है। तो अवमूल्यन क्या करता है कि पहले की तुलना में व्यापार संतुलन को सुधारता है। ध्यान रखना कि अवमूल्यन व्यापार संतुलन को सुधारने का काम करता है पहले की तुलना में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चाइना स्टडी ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि जिन्हें अक्सर समाचारों में देखा जाता है इनमें कौन सा कथन सही है। चाइना स्टडी ग्रुप समाचार में अक्सर रहता है तो उसके बारे में बताना है। तो चाइना स्टडी ग्रुप है क्या, यह एक सरकारी संस्था है, सही बताना है। तो यह एक सरकारी संस्था है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसकी अध्यक्षता करते हैं, यह सरकारी संस्था है, बात सही है, ठीक है। हाल ही में चीन के साथ बढ़े सीमा तनाव के मद्देनज़र स्थापित किया गया था, ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए सही होगा, सरकारी संस्था है, अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं, चाइना स्टडी ग्रुप का, ठीक है। चलिए ए सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते क्या है। चाइना स्टडी ग्रुप सरकारी निकाय है, अध्यक्षता वही अजीत डोभाल, क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसमें कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय, रक्षा सचिव, सेना के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। कौन कौन, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अध्यक्ष हैं, बाकी कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय, रक्षा सचिव, सेना के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। चाइना स्टडी ग्रुप की स्थापना 1976 में हुई थी। चाइना स्टडी ग्रुप की स्थापना 1976 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ द्वारा चीन से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए की गई थी। तो कब की गई, 1976 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा की गई है, ठीक है, चीन से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए। 1997 में भारत के उत्तरी और पूर्वी मोर्चे के साथ चीन द्वारा किए गए एलिवेटेड रोड, ठीक है, 1997 की बात है, उत्तरी पूर्वी मोर्चे के साथ चीन द्वारा किए गए एलिवेटेड रोड ट्रैक निर्माण कार्य के मद्देनज़र CSG चाइना स्टडी ग्रुप का गठन किसी भी आक्रामकता, ध्यान रखना, किसी भी आक्रामकता के मामले में सैनिकों की तेज और सुचारू आवाजाही के लिए चीन सीमा पर सड़क संचार की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए किया गया था 1997 में, ठीक। आगे है कि अध्ययन के अंत में चाइना स्टडी ग्रुप ने भारत चीन बॉर्डर रोड ICBR के लिए चीन की सीमा पर 73 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों की पहचान की है चाइना स्टडी ग्रुप ने। तो ध्यान ये भी रखना, 73 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों की पहचान की गई है। 1997 में क्या हुआ, उत्तर पूर्वी मोर्चे पर एलिवेटेड रोड ट्रैक निर्माण कार्य के मद्देनज़र CSG का गठन की किसी भी आक्रामकता के मामले में सैनिकों की तेज और सुचारू आवाजाही के लिए चीन सीमा पर सड़क संचार की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए किया गया था, और इसका गठन हुआ है 1976 में। गठन किया गया सिर्फ चीन के ही नीतिगत मुद्दों पर ध्यान रखने के लिए, लेकिन 1976 में किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें कौन कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल अध्यक्ष हैं, बाकी गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, रक्षा मामले के जो रहेंगे, ठीक है, देखिए रक्षा सचिव हैं, सेना के प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है ना, कैबिनेट सचिव, विदेश मंत्रालय, ये कितने सदस्य हैं, 1, 2, 3, 4 मतलब 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना। कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय, रक्षा सचिव और सेना के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है, एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। देखते हैं, ADB के पास 60 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, बात सही है। ADB में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, तो ये गलत है, ठीक है ना, भारत नहीं है, ठीक है। ADB एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक भी है,
तो सही कौन सा है, पहला और तीसरा सही है इसका, इसे सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। हाँ चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। देखिए 1966 में इसकी स्थापना हुई, ये क्षेत्रीय विकास बैंक है, ठीक है। 1966 में स्थापना हुई, यह क्षेत्रीय विकास बैंक है, मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस की राजधानी में है, ठीक। स्थापना के समय इसमें 31 सदस्य थे और अब 68 हो गए हैं। 66 प्लस बोला था ना उसमें, 60 प्लस बोला था, तो 68 है ना, यहाँ पर 31 सदस्य थे जब स्थापना हुई थी, 68 हो गए अब। यह आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। 1966 में एशियाई विकास बैंक भारत का संस्थापक सदस्य था भारत, ठीक है। अब बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, संस्थापक सदस्य है भारत लेकिन चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, और शीर्ष चौथा शेयर धारक और शीर्ष उधारकर्ता भी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चौथा शेयर धारक और सबसे ज़्यादा मतलब शीर्ष उधारकर्ता है। 31 दिसंबर 2019 तक ADB के 5 सबसे बड़े शेयर धारक रहे हैं। 5 सबसे बड़े शेयर धारक 2019 की स्थिति में कौन कौन से हैं, जापान है, USA है, प्रत्येक कुल शेयरों का 15.6% है, अमेरिका का, चाइना का 6.4%, भारत का 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.8%। तो जापान, USA, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 सबसे बड़े शेयर धारक हैं ADB के, और भारत जो है सबसे बड़ा उधार करता है ADB का, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शहरों में से किसने जुलाई 2020 में अपनी स्थापना के 160वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया, और इसे सही में अगर देखा जाए तो पूर्व का शासक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बोस्निया हर्जेगोविना, इस्तांबुल, कैलिनिनग्राद, व्लादिवोस्टक। तो ये व्लादिवोस्टक है, अपनी 160वीं वर्षगांठ मनाया ये जुलाई में, जुलाई 2020 में इसने अपनी 160वीं वर्षगांठ मनाई है, इसको पूर्व का शासक कहा जाता है, ये बात सही है। तो व्लादिवोस्टक इसका सही उत्तर है, सी सही उत्तर, ठीक है। हाँ देखते हैं, सुदूर पूर्व के मुख्य शहर व्लादिवोस्टक रूस का है। 2 जुलाई 2020 को ध्यान रखना है, मनाया है इसने व्लादिवोस्टक को सही में, का पूर्व का शासक, पूर्व का शासन, पूर्व का भगवान, विस्तार का पूर्व, यह ध्यान रखना है, ये कई सारे इसकी संज्ञाएं हैं। तो पूर्व भगवान, विस्तार का पूर्व, पूर्व का शासन, पूर्व का शासक कहा जाता है इसको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या क्या इसका नाम है, इसने 160वीं वर्षगांठ 2 जुलाई को मनाई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक प्रमुख योजना है, बात सही है, सही है ना, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत है ये, ठीक। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया गया था, बात ये भी सही है, सही बताना, ये भी ध्यान रखना है। कौशल विकास प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF, ठीक है, नेशनल स्किल्स, ठीक है, और उद्योग के नेतृत्व वाले मानकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब कौशल प्रशिक्षण जो होगा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, मतलब नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और उद्योग के नेतृत्व वाले मानकों के आधार पर किया जाएगा, किसका, क्या किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं, डी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ठीक। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य क्या भाई, उद्देश्य है बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, ध्यान रखना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेंगे। पूर्व प्रशिक्षण अनुभव कौशल वाले व्यक्तियों का भी आकलन पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता RPL के तहत प्रमाणित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। किसके तहत प्रमाणित किया जाएगा, यह योजना 2016-2020 की अवधि के दौरान 10 मिलियन युवाओं को कवर करेगी, 10 मिलियन लोगों को 2020 तक की बात है, 2016 से 2020 तक की बात है, ठीक है। इस योजना के तहत
प्रशिक्षण मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, इसमें किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सब कुछ सरकार द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और उद्योग के नेतृत्व वाले मानकों के आधार पर किया जाएगा, ये बात भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए मेल बताना इसमें कि कौन सा सही है, इनमें जोड़ा ऐसा दिया गया है कौन सा जोड़ा इसमें सही है ये बताना हमें, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा जोड़ा सही है। देखिए केरल में वेम्बनाड झील जो है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये चीज़ तो गलत है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर बात होती है तो राजस्थान में है सांभर झील, ठीक है। चलिए दूसरा है महाराष्ट्र में लोनार झील अधिसूचित राष्ट्र भू विरासत स्मारक है, सही है, ये सही है। कश्मीर में वुलर झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, इसका पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, बी सही उत्तर है, ठीक है। देखिए वेम्बनाड क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है वेम्बनाड। लोनार अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है, बुलर झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना सही कथन कौन सा है, ठीक है, देखते हैं। मोहरविक मोह अशांत तत्व, ये सब आप पढ़े होंगे भूगोल में, तो मोहरविक असंतोष क्रस्ट और एथनोस्फीयर के बीच सीमा बनाता है, ठीक है, असंतोष नहीं, मोहरविक अशांत तत्व, मोहरविक अशांत तत्व है, ठीक है। तो मोहरविक अशांत तत्व, मोह अशांत तत्व जो है वो क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच सीमा बनाता है, बात सही है, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में महासागरीय पपड़ी पतली होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ऐसे पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा भी सही है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर अपना रास्ता खोज लेता है, तो ये भी सही है। तो सही पूछा गया था और तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं क्या है। मोहरविक असंतत क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच में सीमा बनाता, क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच में सीमा बनाता है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये मेंटल का एक हिस्सा है, एस्थेनोस्फीयर जो है वो मेंटल का हिस्सा है, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट 50 से 70 किलोमीटर मोटी है, महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो 50 से 70 किलोमीटर मोटी है, महासागरी पपड़ी जो है वो 5 से 30 किलोमीटर मोटी है, ये भी ध्यान रखना है। मेंटल के ऊपरी हिस्से को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, यह मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है, ज्वालामुखी विस्फोट दौरान सतह पर अपना रास्ता खोजता है, यही एस्थेनोस्फीयर जो है मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है। और इसी एस्थेनोस्फीयर और क्रस्ट के बीच में मोहरविक अशांत तत्व पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसमें एक क्रस्ट की तुलना में घनत्व अधिक होता है, ये तो पता है, क्रस्ट मेंटल उसके बाद कोर या क्रोड, ठीक है ना, तो अंदर जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए तीसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी में इग्नियस रॉक अग्नेय चट्टाने सबसे प्रचुर चट्टाने हैं, अग्नेय चट्टाने जो हैं पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा हैं, सही है या गलत है, तो ये बात सही है, ठीक है। अग्नेय चट्टान की बहुत बड़ी भूमिका है पृथ्वी की पपड़ी को बनाए रखने में, ठीक है। तलछटी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी चट्टानें उनसे प्राप्त होती हैं, तलछटी चट्टानें, तो ये नहीं सही है, ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। चलिए इसकी व्याख्या देखते क्या है, ये इसका सही उत्तर होगा। हाँ ठीक है, व्याख्या देखते क्या है। मैग्मा के रूप में अत्यधिक गर्म पिघला हुआ द्रव पदार्थ के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, मैग्मा का ठीक है, वो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर चट्टानें हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसा कि आग्नेय चट्टानों में पृथ्वी की पपड़ी होती है और अन्य सभी चट्टानें उनसे प्राप्त होती हैं, उन्हें सभी चट्टानें या प्राथमिक चट्टानों के माता पिता भी कहा जाता है। मतलब समझ गए ना, प्राथमिक चट्टानों के माता पिता किसे कहा जाएगा, पृथ्वी की पपड़ी होती है, अन्य सभी चट्टानें उन्हीं से प्राप्त होती हैं, आग्नेय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन इसका सही होगा। तटरेखा के साथ बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी हो सकती है, तटरेखा के साथ में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी हो सकती है, तो बात सही है। ठीक है, सुनामी क्या है, जापानी शब्द है, ठीक है ध्यान रखना, एक जापानी शब्द है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, ऐसे कि सुनामी, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ भाई, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, भाग रहा, ठीक है। दूसरा है, पनडुब्बी भूस्खलन से सुनामी आ सकती है, ऐसा भी है, हमें तो नहीं लग रहा। चलिए तीसरा देखते हैं, देखिए पहला तो सही है, तीसरा उल्कापिंड जैसी अतिरिक्त स्थलीय वस्तुओं का गिरना भी तब सुनामी का कारण बन सकता है जब यह महासागरों में गिरती है, तो तीसरा तो सही है, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है, वैसे दूसरे पे कन्फ्यूजन है, ठीक है देखते हैं। तीसरा स्टेट सी इसका सही आंसर, मतलब तीनों सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। देखिए क्रकाटोवा है, जैसे तटरेखाओं के साथ बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों ने भी उल्लेखनीय सुनामी पैदा की है, क्रकाटोवा ज्वालामुखी है, ध्यान रखना है, यह सुंडा स्ट्रेट में है। क्रकाटोवा कहाँ है, सुंडा स्ट्रेट में है, सुंडा स्ट्रेट कहाँ है भाई, हिंद महासागर, ठीक है, जो सुमात्रा और जावा के बीच जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। सुंडा स्ट्रेट जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, सुमात्रा और जावा के बीच में पड़ता है। ठीक है, कैसे होगा, सुमात्रा और जावा के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, ये होगा सुमात्रा, ये होगा जावा, इधर होगा क्या जावा सागर, ये इधर है हिंद महासागर, तो ये बीच से जा रहा होगा ये, ठीक है, यही होगा सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो सुंडा स्ट्रेट समझ गए, हिंद महासागर में है, जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ता है। एक पनडुब्बी लैंडस्लाइड के दौरान समुद्र के तल के साथ चलती हुई तलछट द्वारा संतुलन को बदल दिया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल फिर एक सुनामी का प्रचार करते हैं, मतलब प्रचार मतलब बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक, पृथ्वी पर अतिरिक्त स्थलीय वस्तुओं के गिरने का सबसे अधिक विनाशकारी सुनामी हो सकती है, इसलिए कथन तीसरा भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विभिन्न भूकंपीय तरंगों के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं, पृथ्वी भूकंप भूकंपीयता का क्षेत्र है, पृथ्वी भूकंप भूकंपीयता का क्षेत्र है जहां सतह की लहरें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, बात तो सही है, सतह की लहरें मतलब LPSL तीसरे नंबर वाली, ये सबसे धीमी गति से चलती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है तीसरे नंबर की। ठीक है, ठीक है, सही है। पी और एस तरंगें दोनों ही प्रकार के क्षेत्र बनाती हैं, हालांकि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग से बड़ा होता है, ये सही है, एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, छाया मतलब जहाँ पे इनका प्रभाव ना पड़े वो छाया क्षेत्र है, तो इनका छाया क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, पी तरंगें तेजी से आगे बढ़ती हैं और सतह पर सबसे पहले आती हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। ठीक है ना, चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है।
सरफेस वेव्स को लंबी अवधि की लहरें भी कहा जाता है। लंबी अवधि की लहरें कहा जाता है, वो कम आवृत्ति लंबी तरंग दैर्घ्य अनुप्रस्थ कंपन होती है। कम आवृत्ति लंबी तरंग दैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। ये तरंगें भूकंप के सबसे विनाशकारी बल के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही होती हैं। पी और एस तरंगें दोनों ही प्रकार के क्षेत्र बनाती हैं, हालांकि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी से बड़ा होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। पी तरंगें तेजी से आगे बढ़ते हैं, सतह पर सबसे पहले आती है। ये तरंगें उच्च आवृत्ति की होती हैं और वह सभी माध्यमों में यात्रा कर सकती, मतलब जा सकती हैं। तो पी सभी माध्यमों में जाती है, एस जो है द्रव को छोड़ के बाकी सभी माध्यम में चली जाती है। एस जब द्रव में पहुंचती तो वहाँ पे समाप्त हो जाती है, ठीक। और सबसे धीमी गति होती है एल की, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, कोई गाड़ी आई या कोई कुछ है कि ऐसे हवा आई खूब तेज़ी से निकल गई, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो रास्ते में पड़ा उसको लेके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक हवा है बहुत धीरे धीरे चल रही एकदम आराम से, तो क्या है, रास्ते में जो मिल रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं भी आना चाह रहा उसको भी लेके निकल जाएगी, अपने पास बुलाएगी, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, ठीक है। तो वो धीमी गति वाली क्या करेगी, ज़्यादा टाइम तक उस जगह पर रहेगी, और जब ज़्यादा जगह टाइम तक जगह पर रहेगी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा विनाश करेगी वो, ठीक है, ये चीज़ होती है। चलिए प्लेट और प्लेट टेक्टोनिक्स के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है इसमें। लिथोस्फीयर में केवल ऊपरी परत होती है। हमने एक चीज़ बताया है आपको कि जब किसी भी स्टेटमेंट में केवल, सभी, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे डाउट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट कर सकते हैं हम कि हो सकता है ये वाला गलत हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और सही नहीं ये पूछा गया है, ये भी बात का ध्यान रखना है, ठीक। प्रशांत प्लेट एकमात्र प्रमुख प्लेट है जो पूरी तरह से महासागरीय है। प्रशांत प्लेट एकमात्र प्रमुख प्लेट है जो पूरी तरह से महासागरीय है, तो बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स से सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट और पैंथालासा है, पढ़े हैं अगर आप लोग, पैंथालासा नामक एक सुपर महासागर था, बात सही है गलत है, ये महासागर है और ये ये महाद्वीप है और ये महासागर है, ठीक है ना, यही होगा। हाँ, पैंजिया जो है महासागर है और पैंथालासा सुपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो भाई तीसरा गलत है, ठीक है, और दूसरा तो सही है। पहला और तीसरा इसका गलत है, ठीक है ना, पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, सी सही उत्तर, हाँ, ठीक है। देखिए लिथोस्फीयर में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल होते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर में क्रस्ट होता है और ऊपरी मेंटल होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। प्रशांत प्लेट एकमात्र ऐसी प्रमुख प्लेट है जो पूरी तरह से महासागरीय है, वही भी बात सही है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है पैंजिया और पैंथालासा के बारे में बात करता है, ये बात सही है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके कुछ प्रमाण भी हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के, वो आपको आपने पढ़ा भी होगा भूगोल में, ठीक है, कुछ प्रमाण हैं जैसे जिग्सॉ पिट, खनिजों का मिलना, वनस्पतियों का मिलना, जीव जंतुओं का मिलना, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को एक साथ अगर जोड़ दें तो ये दोनों फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यही नहीं, अगर हम अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ले जाके फिट करना चाहें तो दोनों ही एक साथ फिट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके कुछ प्रमाण हैं, तो उनका भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। लिथोस्फीयर, पहला स्टेटमेंट है लिथोस्फीयर प्लेट्स नामक टुकड़ों में टूट गया और वे एक दूसरे के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं, बात सही है क्या? देखिए, लिथोस्फीयर प्लेट्स नामक टुकड़ों में टूट गया है और वे एक दूसरे के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं, बात सही है। प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार क्या है? बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और पृथ्वी का घूर्णन, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर इसका ए है, हो नहीं सकता, है ही है, ठीक है, ए सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। देखिए, माना जाता है कि लिथोस्फीयर को टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। लिथोस्फीयर को टुकड़ों में तोड़ दिया गया कहाँ पे है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाया जाता है लिथोस्फीयर, जो एक दूसरे के संबंध में निरंतर आंदोलित हो रहे हैं, आंदोलन में है, आंदोलित हो रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उठा पटक चल रही, ठीक है। इन प्लेटों के संचलन को ऊपरी मेंटल में उत्पन्न होने कन्वेंशन धाराओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इनका जो संचलन होता है वो ऊपरी मेंटल में उत्पन्न होने जो कन्वेंशन धाराएं हैं उनके लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ब्लॉक पर्वत के बारे में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। देखते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं। लंबवत मतलब ऐसे, ठीक है। देखिए क्या है ब्लॉक पर्वत, क्या है ये? पूरी पहाड़ टाइप होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इससे, ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट फिर से, ये है पूरा, ठीक है, ये है, इसमें ऐसे दरार पड़ी होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुँचा तो कैसे हो जाएगा? ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, और ये जो हैं ये ऐसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये है ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, तो ब्लॉक पर्वत कब बनते हैं? जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत रूप से विस्थापित। तो लंबवत रूप से विस्थापित क्या हो रहा, यही अभी हमने बताया, ये तो ये यहाँ से खिसक गया है, ठीक है, यहाँ से खिसका ये, ठीक है ना। तो जो ये खिसका, ये लंबवत ही खिसका है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नहीं खिसका है, ठीक है, लंबवत खिसका, क्षैतिज नहीं खिसका, ठीक है, तो लंबवत ही, तो पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे है दूसरा स्टेटमेंट, उत्थान किए गए ब्लॉक को हथियाने के रूप में जाना जाता है और निचले ब्लॉक को हॉस्ट, नहीं, जो ये वाला है उठा हुआ भाग है उसको कहते हैं हॉस्ट, और ये जो ये है इसको बोलेंगे क्या, इसको भी कुछ बोलते हैं, नाम भी में ध्यान नहीं आ रहा है, ये हॉस्ट यही है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट ए सही है इसका। चलिए देखते हैं क्या है। तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं, लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं, बस सही। उत्थान किए गए ब्लॉकों को भयावहता कहा जाता है, जो उठे होते हैं, ठीक है, वही हॉस्ट। निचले ब्लॉकों को हड़पने कहा जाता है अभी वो, ठीक है ना। सियरा नेवादा, राइन घाटी, बोस्जेस फ्रांस यूरोप में, ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका, नर्मदा तापी घाटी ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अवशिष्ट पर्वत के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण फॉल्टिंग के कारण आसपास की सतहों के सामान्य निचले स्तर से होता है, ठीक है। क्या है? अवशिष्ट पर्वतों का फॉल्टिंग के कारण आसपास की सतहों के सामान्य निचले स्तर से होता है, बात सही है कि गलत है? अवशिष्ट पर्वत होते क्या हैं कि वो पर्वत जिनका जो मूल अवस्था में अपने नहीं है, वो कैसे क्या हो गए हैं, वो रगड़ के घसे रगड़ रगड़ के क्या किया गया उनको, अपक्षय अपरदन की प्रक्रियाओं के द्वारा उनको
घिस दिया गया है, ठीक है, वही क्या है, अवशिष्ट पर्वत। जैसे भारत में अरावली, विंध्यान, सतपुड़ा रेंज जो है, ये सब क्या अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत है। अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण भी किया जा सकता है, बात सही है, बताया अभी कि खुरच देते हैं ये सब, अपक्षय अपरदन सब होता रहता है, तो वो घिस घिस के उनको नीचा कर देते हैं, ठीक है, वही अवशिष्ट होते हैं। फिर विंध्य और राजमहल पहाड़ी अवशिष्ट पहाड़ों के उदाहरण है, बात सही है, विंध्य, राजमहल, सतपुड़ा, आपका अरावली, ये सब क्या है, अवशिष्ट पहाड़ पर्वत के उदाहरण है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। देखते हैं क्या है, अवशिष्ट पर्वत क्या है, जिन्हें ह्रास के एजेंटों द्वारा मिटा दिया गया है, मतलब क्या, हवा, बारिश, ठंड, बहता पानी, और क्या, बर्फ से भी होता है, ठीक है, पीछे छोड़ी जाने वाली कठोर चट्टानों को ही कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। मतलब एक पर्वत है, ऐसे है पर्वत, ऐसे थोड़ा पर्वत, अब इस पे हवा भी अपना काम कर रही, कुछ घिस घिस के उठा लेगी, कहीं बारिश हुई वो भी कुछ रगड़ घसड़ के अपना क्या किया, उसने कुछ उसके कंकड़ पत्थर को बहा के ले गई, ठीक है, बर्फ बर्फ बहने लग गई, अपना पिघलने लग गई, वो भी खींच खाँच के उठा ले जाती है, ठीक, पानी बह रहा है नदी का है तो वो भी क्या करेगी, काटेगी ही, तो क्या करेगी वो, इनको क्या करेगी, ऐसे इतने को ला देगी मान लो, ठीक है। तो कठोर चट्टान, यही इतना कठोर चट्टान, बाकी ऊपर जो मुलायम थे वो ख़त्म हो गए, अब कठोर जो बचे हैं वही हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, इस तरीके से। अपक्षय की क्रिया द्वारा अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण भी किया जा सकता है, ये बात तो सही है, ठीक है। भारत में विंध्य है, नीलगिरी, देखिए विंध्य है, नीलगिरी है, पारसनाथ, राजमहल, अरावली, ये सब क्या है, अवशिष्ट पहाड़ों के ही उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न है कि बताना विचार करके कौन सा कथन सही है, विचार करके ही बताना है, ठीक है, ऐसे नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी व्यक्ति को सरकार के परामर्श से ECI द्वारा पोस्टल सुविधा प्रदान करने का प्रावधान, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श करके पोस्टल सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है, वो भी 51 में दिया गया है, ठीक है, तो बात सही है। परिसीमन आयोग का गठन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया, ये नहीं सही है, गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका ए सही उत्तर, हाँ। तो देखते क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति को सरकार के परामर्श से ECI द्वारा डाक सुविधा दिए जाने की अनुमति मिलती है, ठीक है। ECI ने सिफारिश की थी निर्वाचकों को 3 श्रेणियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाए, इसने 3 श्रेणियों में बात की है, कौन कौन है, 80 साल या उससे अधिक की व्यक्ति जो हों, दूसरा विकलांग व्यक्ति, और तीसरा आवश्यक सेवा कार्यकर्ता वाले लोग, इन तीनों के लिए पोस्टल सुविधा दी जाएगी, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत, आर्टिकल 82 के तहत क्या है कि कानून द्वारा संसद हर जनगणना के बाद, 82 अनुच्छेद 82 है कि कहा गया कि कानून के द्वारा संसद क्या करेगी, हर जनगणना मतलब जो जनगणना होती है उसके बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है, कौन, संसद करती है, ठीक है। अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी, यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का क्या करता है, सीमांकन करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्लाज्मा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो भाई पहला स्टेटमेंट है कि प्लाज्मा रक्त के सबसे बड़े भाग की रचना करता है, प्लाज्मा रक्त के सबसे बड़े भाग की रचना करता है, तो बात सही है। प्लाज्मा पानी, लवण, एंजाइमों को वहन करता है, वहन मतलब साथ में लेके चलता है, उन सब का वहन करता है, ठीक है, यूज करता है। प्लाज्मा दान से किसी व्यक्ति में कमजोरी नहीं आती है, बात सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए तीनों स्टेटमेंट सही, इसका डी इसका सही उत्तर, हाँ। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्लाज्मा उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बात सही है, कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं
उनके उपचार के लिए प्लाज्मा जो है महत्वपूर्ण हिस्सा। यही कारण है कि रक्त ड्राइव है और लोगों को रक्त प्लाज्मा दान करने के लिए कहते हैं। ठीक, रक्त प्लाज्मा रक्त का एक पीला तरल घटक होता है जो पूरे रक्त की रक्त कोशिकाओं को निलंबन में रखता है। यह रक्त का तरल हिस्सा है जो पूरे शरीर में कोशिकाओं और प्रोटीन को पहुंचाता है। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है, अपनी समग्र सामग्री के आधे से अधिक 55% बनाता। जब रक्त के बाकी हिस्सों से अलग किया जाता है तो प्लाज्मा एक हल्का पीला तरल होता है। प्लाज्मा पानी लवण एंजाइमों को वहन करता। पानी नमक एंजाइमों के साथ, लवण मतलब नमक एंजाइमों के साथ साथ प्लाज्मा में भी महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनमें एंटीबॉडी होती, ध्यान रखना, एंटीबॉडी, थक्के वाले कारक, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, ये सारे चीज़ इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत ने हाजीगक खानों में खनन अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई थी। हाजीगक खान, ध्यान रखना है, क्या नाम है? हाजीगक खान, इसमें बोली लगाई है। लौह अयस्क का बड़ा भंडार है यहाँ। ठीक है, हाजीगक माइंस कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क का भंडार है, भारत ने बोली लगाई है, कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका है अफगानिस्तान में। ठीक है ना, अफगानिस्तान में हाजीगक खान है जो कि एक लौह अयस्क की खान है। और ये चर्चा में इसलिए रही कि भारत ने इस पर क्या किया, अभी इसके बारे में इसे बोली लगाई। ठीक है, अब देखिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने के नेतृत्व में 6 भारतीय कंपनियों का एक कंसोर्टियम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों का एक कंसोर्टियम, 6 भारतीय कंपनियों का 2011 में हाजीगक क्षेत्र में 3 लौह अयस्क खदानों के लिए रियायत जीती थी। हाजीगक माइन अफगानिस्तान में सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा लौह ऑक्साइड जमा है इसमें, लौह ऑक्साइड जो हाजीगक दर्रे के पास स्थित। इसका क्षेत्र मैदान वर्नाक, कहाँ है? वर्नाक बामियान प्रांत के बीच में विभाजित है, वर्नाक और बामियान प्रांत में। इसमें एशिया का सबसे बड़ा अप्रयुक्त लौह अयस्क जमा है, ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा अप्रयुक्त लौह अयस्क जमा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना किसको संदर्भित करती है ये बताना है आपको। भाई किसको संदर्भित कर रही है? तो भारत ईरान परमाणु समझौते को संदर्भित करते हैं संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत। ठीक है, तो संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत भारत ईरान परमाणु समझौते को संदर्भित किया जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखना आपको। बी इसका सही उत्तर है। हाँ, देखिए क्या है, जेसीपोवा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसे आमतौर पर ईरान सौदा ईरान परमाणु समझौता के रूप में जाना जाता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जेसीपोवा। ठीक, जो ईरान के P5+1 मतलब 5 स्थायी सदस्य, एक और मूल के 5 स्थायी सदस्यों के बीच 14 जुलाई 2015 को वियना पहुंचा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए प्लस जर्मनी भी है इसमें शामिल। ठीक है, और इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कौन कौन? P5+1। P5 में अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, इसके अलावा 1 में जर्मनी है, फिर उसके अलावा फिर आपका यूरोपियन संघ आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ बताना हमें। ठीक है, देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है, ये ध्यान रखना। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हैं, सही है कि गलत है? क्या है ये? पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, देखते हैं।
तो पीएम स्वनिधि, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बात तो सही है, ठीक है। इसके अलावा यह स्ट्रीट वेंडर के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करता, हमने इससे संबंधित प्रश्न पहले भी कराए हैं, आपको ध्यान होगा कि 10,000 रुपया दिया जाएगा इनको, 10,000 का ऋण दिया जाएगा, वो भी बहुत कम ब्याज पे दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। यह इस योजना के तहत विक्रेता रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, 50,000 जो 5 साल के कार्यकाल में मासिक किस्तों चुकाने योग्य है, ये 50,000 नहीं, तीसरा स्टेटमेंट गलत हमने बताया, 10,000 है, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, सी सही उत्तर है। हाँ, देखते हैं क्या है। आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ है, 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ है। स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए, जो COVID-19 लॉकडाउन के कारण क्या है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, ठीक, ये हुआ। इसके अलावा यह योजना उन 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है, जो 24 मार्च 2020 से पहले या आसपास के पेरी अर्बन रूरल क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में शामिल थे। इसके तहत विक्रेता रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, इसमें 10,000 रुपये जो 1 साल है, 5 साल नहीं, 1 साल है, 10,000 रुपये कार्यशील मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 10,000 रुपया है ये। इससे संबंधित हमने प्रश्न पहले भी बता रखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उस पहले जो प्रश्न बताए हम उनका तरीका अलग था, ये इस प्रश्न का तरीका अलग है, लेकिन प्रश्न जो है सेम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्लीय लावा और मूल लावा, अम्लीय और क्षारीय नहीं होता, तो वही है, इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं, भाई बेसिक लावा लवण की तुलना में अम्लीय लवण जो होता अत्यधिक चिपचिपा होता, बात तो सही है, ये बात सही है, गलत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, गलत कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो इसलिए पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, बुनियादी लावा जो है तो धीरे धीरे बहते हैं और शायद ही कभी वो जमने से पहले मतलब बहते हैं, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बी, हाँ बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं, अम्लीय लावा अत्यधिक चिपचिपा होता है, बात सही है, यह आमतौर पर दूर तक नहीं जाते हैं, जल्दी जमता है, अत्यधिक चिपचिपा होता है जल्दी जम जाते हैं ये, ठीक है। अम्लीय लवण की तुलना मूल लवण जो होते लवण होते हैं वो कम चिपचिपे होते हैं, ठीक है, इसलिए वो जमने से पहले बहुत दूर तक घूमते हैं, इनसे पठारों का निर्माण होता है, किससे, अम्लीय से नहीं क्षारीय से, ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत पतले होते हैं ना, जल्दी जमते हैं नहीं, तो बहुत दूर तक फैल जाते हैं, पठारी मैदानों का निर्माण कर देते हैं, ठीक, पहाड़ वहाड़ नहीं बना पाते। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रियाओं में योगदान कर सकती है, कौन सी ऊर्जा है जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रियाओं में योगदान कर सकती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रियाओं में योगदान कर सकती है, तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है रेडियो गतिविधि, दूसरा प्राथमिक गर्मी, तीसरा घूर्णी और ज्वारीय घर्षण, ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा ये बताना हमें, ठीक है। इसमें देखिए तीनों ही स्टेटमेंट क्या है इसके, सही हैं, घूर्णी और ज्वारीय घर्षण, प्राथमिक गर्मी, रेडियो गतिविधि, ये सब क्या है, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं, ठीक है, ये तीन लोग, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है, पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा होती एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रिया के पीछे मुख्य बल होता है, बात सही है कि पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रिया के पीछे मुख्य बल है। पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा रेडियोधर्मिता, घूर्णी, ज्वारीय घर्षण, प्राइमर्डियल गर्मी के कारण है, भूतापीय ग्रेडियंट के कारण पृथ्वी के भीतर ऊर्जा और गर्मी का प्रवाह डायस्ट्रोफिज्म ज्वालामुखी को प्रेरित करता है। तो भूतापीय ग्रेडियंट के कारण जो पृथ्वी के भीतर में ऊर्जा होती है और गर्मी का प्रवाह होता है वो डायस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखी को प्रेरित करता है, इसलिए सभी स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। तो तीनों ही एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रक्रिया
के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो भाई क्या है कि अपक्षय कुछ मूल्यवान अयस्कों के संवर्धन को प्रभावित करता है, क्या बात सही है। अपक्षय कुछ मूल्यवान अयस्कों के संवर्धन को प्रभावित करता, बात सही है, ठीक है। अपक्षय एक पूर्व सीटू प्रक्रिया है, ये गलत है, पूर्व सीटू नहीं है, ठीक है ना, ये इन सीटू प्रक्रिया है अपक्षय, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर जीवों के विस्थापन के लिए अपक्षय पूर्व आवश्यक है, यह भी नहीं कोई जरूरी है। तो सही पूछा गया, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, बी सही उत्तर इसका। चट्टानों और जमाओं के अपक्षय से क्या क्या होता भाई, लोहे, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, तांबे आदि के कुछ मूल्यवान अयस्कों के संवर्धन और सांद्रता में मदद मिलती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अपक्षय में बहुत कम या कोई गति नहीं होती। अपक्षय का मतलब क्या होता है, कोई गति, अपक्षय क्या होता भाई, अपक्षय ये है, एक पत्थर है, ये टूट टूट कर यहीं अपने आसपास ही गिर जाए, यहीं पे ऐसे यहीं पे टूट टूट के ऐसे ही जमा होता रहे, बस कहीं और ना भागे, ये क्या है, यही अपक्षय है। तो अपक्षय क्या कर रहा है, ये इन सीटू प्रक्रिया है ना, इन सीटू प्रक्रिया है ना ये। तो अपक्षय का मतलब कि टूट के उसी जगह पे गिर जाना, टूट के कैसे भी करके, मतलब उस जगह पे अब गिर जाएगा, ये गिर गया यहीं पे गिरा हुआ है। अब ये तब तक नहीं आगे बढ़ेगा जब तक इसमें कोई गति काम नहीं करेगी, ठीक है। और जब गति काम करने लगती तो क्या हो जाता है, वो अपरदन होता है, ठीक है। अपरदन के द्वारा क्या होगा, ये जो है आगे भाग जाएंगे, यहाँ से उठे चलो चलते हैं, ये इधर आने लग गए अब यहाँ तक, फिर ये निक्षेपण यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पे जमा हो गए बाकी, ठीक है। जब तक कोई और बल काम नहीं कर रहा तो अपक्षय क्या, अपक्षय तो यहीं पे रहेगा ना, पूरा अपक्षय यहीं रहेगा। तो अपक्षय इन सीटू प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपक्षय में बहुत कम या कोई भी गति नहीं होती, बात सही बोल रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यह इन सीटू प्रक्रिया है या साइट प्रक्रिया है, ठीक। जीवों के विस्थापन में अपक्षय एक पूर्व आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह जीव विस्थापन प्रभावित करता है, ठीक है। बड़े पैमाने विस्थापनों गुरुत्वाकर्षण द्वारा सहायता प्राप्त होती है कोई जियोमॉर्फिक एजेंट। जियोमॉर्फिक एजेंट क्या है, बहता पानी होगा, ग्लेशियर होंगे, हवा है, लहर है, धाराएं हैं। जीव विस्थापन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। इससे पता चलता है कि जीवों का विस्थापन शरण के अंतर्गत नहीं आता है, हालांकि एक स्थान दूसरे स्थान पर सामग्री का स्थानांतरण होता है। हमने बताया ना कि यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए, जीव थोड़ी ना यहाँ से हटेगा, जीवों का क्षरण थोड़ी नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसी चीज़ का हो रहा, तो ये अब यहाँ से जाएगा हैं, यही तो जाएगा ना, यहाँ से जीवों को थोड़ी लेके भाग जाएगा, यही बात बताई जा रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए, किसके उत्पादन के लिए चट्टानों की विंधन प्रणाली महत्वपूर्ण है, ये बताना हमें। विंधन प्रणाली किसके लिए, किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कि कीमती पत्थर और सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है विंधन प्रणाली, ठीक है। कीमती पत्थर और सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है विंधन प्रणाली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चट्टानों की विंधन प्रणाली कीमती पत्थरों निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली का नाम विंधन पहाड़ियों से जुड़ा है, जहाँ की इसकी चट्टानें प्रमुखता से सामने आती हैं। विंधन तंत्र की मुख्य चट्टानें मोटे मध्यम पंक्ति बनावट वाले सैंडस्टोन सेल्स चूने के पत्थर हैं। चट्टानों की विंधन प्रणाली कीमती पत्थर, सजावटी पत्थर, हीरे की निर्माण सामग्री, सीमेंट, चूने, कांच, रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल की चादर बिछाती है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक पूछा जा रहा भाई, कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल पास में जो होगा, कौन सा हो सकता है, बेरिंग,
फ्लोरिडा जलडमरू मध मलक्का बोस्पोरस तो बेरिंग हो सकता है ना। बेरिंग कहाँ पे है? बेरिंग देखिए एक तो ये है ऐसे ऐसे करके तो आ रहा वो अमेरिका वाला नॉर्थ अमेरिका और ये हमारा ये है क्या एशिया रसिया वाला पार्ट है ना ये तो ये बीच में बेरिंग यहीं पे है यही है बेरिंग ठीक है ना। ये बेरिंग है ये यूएसए वाला हो गया अलास्का और ये है हमारा रसिया वाला पार्ट एशिया का ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं तो यही है बेरिंग जलडमरू मध्य तो बेरिंग जल संधि जो है यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक बात तो यही है ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं ए सही उत्तर हाँ ये देखिए बेरिंग जलडमरू मध्य है तिथि रेखा के सबसे नज़दीक क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अमेरिकी महाद्वीपों के बीच इससे पूर्व और एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप के पश्चिम में समान दूरी पर चलती है ठीक है इसलिए बताए कि बेरिंग जलडमरू मध्य सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते भाई कितना टाइम हुआ। चलिए अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित द्वीपों में कौन ज्वालामुखी प्रकृति के हैं चरित्र नहीं प्रकृति है ठीक है ध्यान रखना प्रकृति की बात हो रही चरित्र क्या करेंगे इसका जानकर ठीक है। तो प्रकृति क्या मतलब ज्वालामुखी प्रकृति क्या है तो नारकंडम है नारकंडम तो है एक पहला तो सही है ठीक है। मिनिकॉय माजुली ये सब तो नहीं है माजुली नदी द्वीप है और मिनिकॉय आपको पता होगा कोरल से बना हुआ ना ठीक है। तो नारकंडम द्वीप तो है और बैरन द्वीप है ये बंजर द्वीप लिख दिया गया है गलती से ये बैरन द्वीप है ये ठीक है। नारकंडम और बैरन द्वीप पहला और दूसरा सही है इसका ए सही उत्तर होना चाहिए हाँ ठीक है। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में है बैरन और नारकंडम ज्वालामुखी द्वीप में ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न देखेंगे और इसके बाद अब बाकी कल करेंगे ठीक है। चलिए देखिए सुनामी लहरों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं भूकंप भी है सुनामी लहर के लिए हैं समुद्र में पानी का ऊर्ध्वाधर विस्थापन समुद्र की सतह पर तेज हवा की गति तो ये तो तीनों हो सकते हैं इस हिसाब से तो लेकिन नहीं ऐसा नहीं है इसका समुद्र की सतह पर तेज हवा की गति से कोई नहीं मतलब है इसमें समुद्र में पानी का ऊर्ध्वाधर विस्थापन और भूकंप ये दोनों सुनामी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बी इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इसके व्याख्या देख लें एक बार बस लास्ट प्रश्न समुद्र और समुद्र के पानी के माध्यम से यात्रा करने वाली भूकंपीय तरंगें उच्च समुद्री लहरों में परिणत होती हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं सुनामी। समुद्र और समुद्र के पानी के माध्यम से यात्रा करने वाली भूकंपीय तरंगें जो होती वो उच्च समुद्री लहरों में परिणत हो जाती हैं उन्हीं को सुनामी कहा जाता है ठीक है। सुनामी होने के लिए दो शर्त जरूरी है एक तो भूकंप होना चाहिए ऊर्जा स्थानांतरित करनी पड़ेगी भूकंप होनी चाहिए जिससे ऊर्जा स्थानांतरित हो और दूसरे पानी का ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी होना चाहिए इससे भूकंप के दौरान क्रस्ट को लंबवत चलना चाहिए भूकंप के दौरान क्रस्ट को लंबवत चलना पड़ेगा तभी सुनामी आएगी ठीक है। तो ये दो शर्तें होती हैं सुनामी के लिए ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।